गाइस मैं हूं कैफ फ्रॉम नोएस्टेक और ये है फायरबोल्ट टर्मिनेटर, ये है फायरबोल्ट इटर्नो। टर्मिनेटर ऑलरेडी लॉन्च हो गई है 2000 रुपए में, अब चेक करोगे तो प्राइस 2300 के आसपास हो गया है। उसी की जगह ये इटर्नो आज लॉन्च हुए 2000 में, मे बी ये वीडियो जब तक आपको आएगी ये भी 2200-2300 की हो जाए। मैं इन दोनों को साथ में रिव्यू इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वॉचेस पूरी की पूरी सेम है एक्सेप्ट डिजाइन एंड वॉच फेसेस के, बाकी सब कुछ आपको इन वॉचेस में सेम देखने मिलता है। तो जो मैं इसके बारे में बात करूंगा वो आपको उसके लिए भी कंसिडर करके चलना है। दोनों के ब्लैक वाले कलर्स को हमने ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया है, इस वीडियो में अब इन ब्लू वालों को अनबॉक्स हम करने वाले हैं। एक के डब्बे के ऊपर एमएस धोनी, दूसरे पे कियारा आडवाणी, दोनों की ब्रांडिंग वाइंडिंग दी गई है, पीछे की हाइलाइट्स दिए गए एंड साइड्स में भी आपको की हाइलाइट्स लिखे दिख जाएंगे दोनों डब्बों के ऊपर। एंड एक डब्बा ऐसे खुलता है। वॉचेस दिखने में आपको काफी हद तक सिमिलर लगेगी, आगे हम आने वाले इसके ऊपर। बाकी अगर मैं एक का बॉक्स दिखा दूं आपको तो ये पोको पिन का चार्जर मिल जाएगा, ये एक मैनुअल है एंड बाकी यूजुअल आपके जो कार्ड्स मिलते हैं आपको वारंटी कार्ड, बोल्ट प्ले कार्ड, गाना कार्ड, बीएमएस का कार्ड, ये सारे कार्ड मिल जाते हैं एंड यही कार्ड आपको दूसरे डब्बे में मिलेंगे, कुछ डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। डिस्प्ले पे पन्नियां मिल जाती है, पीछे सेंसर पे पन्नियां मिल जाती है। अब कलर्स की बात करूं तो ये दोनों ब्लैक एक जैसे दिखते हैं टर्मिनेटर इटर्नो के एंड ये दोनों ब्लू एक जैसे दिखते हैं। यहाँ पे अगर ब्लैक एंड ब्लू का डिफरेंस बताऊं तो ब्लैक वाले में बॉडी हल्की सी ग्रे कलर की है एंड इसमें बॉडी हल्की सी नेवी ब्लू डार्क ब्लू कलर की है एंड स्ट्रैप आप देखोगे तो थोड़ा सा लाइटिश कलर में, नेवी ब्लू से लाइट है फिर भी काफी डार्क है एंड दोनों में सेम स्ट्रैप्स दिए गए, ये ब्लू कलर का स्ट्रैप भी सेम है, ब्लैक वाला स्ट्रैप भी सेम है, अच्छे सिलिकॉन स्ट्रैप्स है, पीछे सारे सेंसर दिए गए। ये जो टर्मिनेटर है ये आपको थोड़ा सा फ्लैट बॉडी मिल जाएगी, उसी की जगह ये इटर्नो आपको थोड़ी सी कर्वी बॉडी मिल जाएगी। अब आप मुझे पूछेगा भाई देखो कौन सी पसंद है, मैं सच बताऊं तो मुझे टर्मिनेटर दिखने में थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि मुझे फ्लैटेस्ट डिजाइन पसंद है, थोड़ी सी मिनिमलिस्टिक लुक है। उसी की जगह आपको थोड़ा सा एक कर्वी डिजाइन चाहिए, बटन के आसपास कर्व्स दिए गए जो अच्छे दिखते हैं एंड अगर आपको ऐसी डिजाइन पसंद है देन आप इटर्नो की तरफ जा सकते हो। एंड दोनों ही वॉच में आपको प्लास्टिक बॉडीज दी गई है, किसी में भी मेटालिक नहीं दी है, थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग यहाँ पे किया है एंड दोनों में बटन का फंक्शनैलिटी भी सेम है, बटन दबाओगे डिस्प्ले वेक होगा, बटन दबाओगे डिस्प्ले सो जाएगा, ऐसे कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिया है। ये जो बटन दिया है ये घूमता है पर घूमने वाली इसमें कोई फंक्शनैलिटी, क्राउन जैसी फंक्शनैलिटी कुछ भी नहीं दी है। बाकी दोनों वॉचेस पूरी सेम है डिजाइन में, माइक एंड स्पीकर सेटअप सबको राइट एंड लेफ्ट साइड पे मिल जाएंगे। वॉचेस दिखने में अच्छी लगती है क्योंकि बड़े डिस्प्लेज है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। आपको ये दोनों ही वॉचेस IP68 रेटेड मिल जाती है, मतलब पानी वानी में भी लेके जाओगे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आराम से ये आपके साथ तैर लेंगी। डिस्प्लेज की बात करूं तो दोनों में ही आपको 1.99 इंच के डिस्प्ले मिले, 240x283 का रेजोल्यूशन है, 500 निट्स की ब्राइटनेस है, Race 2 एक ऑलमोस्ट सेम काम करता है, डिस्प्ले क्वालिटी सेम है, दोनों TFT डिस्प्लेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटीज अच्छे है। फर्क यहाँ पे वॉच फेसेस का आता है, यस दोनों में थोड़ा सा अलग वॉच फेसेस दिए गए हैं ताकि आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाओ। बाकी नीचे की जो चीन है थोड़ी सी मोटी मिलेगी एंड इसका मेन रीजन सिर्फ एक ही है क्योंकि यहाँ पे TFT डिस्प्ले, अगर ये IPS होता था या कोई हायर क्वालिटी पैनल होता था तो नीचे की बेजल्स आपको कम मिल जाती थी। 2300 रुपए के हिसाब से आपको TFT मिलेगा एंड डिसेंट क्वालिटी है, ऐसा कोई इशू नहीं है, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा है, आउटडोर ब्राइटनेस वाइटनेस सब ठीक है, कलर्स वालर सब ठीक है, डिस्प्ले स्मूथ है, 60Hz नहीं लग रहा है मुझे पर स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं लग रही है। ये बजट कॉलिंग वॉचेस है जिनके कारण यहाँ पे आपको सेंसर्स इतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं मिलेंगे, हार्ट रेट का सेंसर दिया है जो हवा में टेबल पे काम कर लेता है बट पल्स ऑक्सीमीटर के साथ अगर कंपेयर करूं तो काफी डिसेंट रीडिंग दे देता है, 2-3% का फर्क रहता है। SPO2 की भी अगर मैं बात करूं तो SPO2 यहाँ पे एक्यूरेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रेड लाइट सेंसर नहीं दिया है एंड फॉर द प्राइस 2300 में मैं इतना ज्यादा कंप्लेन कर नहीं सकता उसके लिए क्योंकि यहाँ पे कॉलिंग दिया है। अगर यहाँ पे कॉलिंग नहीं रहती थी देन मैं आपको बोलता था यहाँ पे डेफिनेटली असली सेंसर होने चाहिए थे, यहाँ पे कॉलिंग है इसलिए इतना बड़ा कोई मेजर इशू नहीं है। साथ ही साथ अगर स्लीप ट्रैकिंग की बात करूं तो स्लीप ट्रैकिंग भी काफी अच्छा काम यहाँ पे कर रहा है, 15 मिनट से आधे घंटे का यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपके प्रॉपर स्लीप शेड्यूल में एंड यहाँ पे वॉच के ऊपर। सेंसर एक्यूरेसी मेरे हिसाब से इस प्राइस ब्रैकेट में आपका प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए अगर आप एक कॉलिंग वॉच ले रहे हो। उसके साथ UI की बात करो तो पूरा का पूरा UI दोनों वॉचेस में सेम है, जिसके लिए भी बात करूंगा वो दूसरे के लिए भी अप्लाई करता है। यहाँ पे स्वाइप काफी स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा है। ऊपर से नीचे से अगर मैं स्वाइप करूं तो यहाँ पे छोटा सा कंट्रोल पैनल खुले जहाँ पे आपकी ब्राइटनेस है, कैमरा कंट्रोल है, फ्लैशलाइट दी गई है यहाँ पे। उसी के साथ यहाँ पे आपको सेटिंग्स दी गई है, सेटिंग के अंदर जाकर डिस्प्ले की कुछ सेटिंग जैसे ब्राइटनेस है, ऑटो लॉक है, वॉच फेस है, मेन्यू का व्यू, मेन्यू के दो व्यू दिए गए इधर। उसी के साथ डू नॉट डिस्टर्ब, लो पावर मोड, फोन कॉल ऑन ऑफ, फोन रीसेट के साथ रिंग वाइब्रेशन आपको कैसा चाहिए वो सारी चीजें। रिंग वाइब्रेशन की एक अच्छी सेटिंग है, मतलब आपकी वॉच सिर्फ वाइब्रेट करेगी या फिर घंटी के साथ वाइब्रेट करेगी जब आपको कॉल आएगा, वो सब चीजों को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। उसी के साथ साथ मेन स्क्रीन से लेफ्ट की तरफ गए तो एक छोटा सा पैनल खुलता है जहाँ पे आपके रिसेंट वाले एप्स दिख जाते हैं। उसी के साथ राइट पे सारे कंपोनेंट्स, स्पोर्ट्स मोड, फोन, HR, SPO2, स्लीप, म्यूजिक प्लेयर, ब्रीथ मोड, ऐड कंपोनेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है और कई सारे कंपोनेंट्स को आप इस होम स्क्रीन के ऊपर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे 5
छह ऑप्शन दिए गए, आपके हिसाब से लगा दो। उसी के साथ साथ आप मेन्यू में जाओगे तो पहले स्पोर्ट्स मतलब पूरे दिन का आपका एनालिटिक्स है वो, फिर देन फोन है, फोन में किसी को भी आप कॉल लगा सकते हो, बात कर सकते हो आराम से। माइक एंड स्पीकर का क्वालिटी का एक मैंने एक टेस्ट बनाया है, वो भी सुन लो। तो गाइस ये जो अभी आवाज सुन रहे हो ये है माइक क्वालिटी फायरबोल्ट इटर्नो की। टर्मिनेटर में भी आपको सेम माइक मिलने वाला है, ऐसी कुछ माइक क्वालिटी मिलेगी। आउटडोर में जब आप किसी से फोन पे बात करो थोड़ा सा आजूबाजू आवाज है, पीछे से गाड़ी जा रही है, बच्चे यहाँ खेल रहे, तो आपको ऐसी कुछ माइक क्वालिटी मिलेगी। कॉलिंग की क्वालिटी तो आपने सुन ली। यहाँ पे जो स्पीकर्स है ये वाटरप्रूफ दिए गए हैं। कई बार हम पानी में जाते हैं, अचानक स्पीकर बजा, कॉल आया तो एयर पास होती है जिसके कारण पानी स्पीकर के अंदर जा सकता है। यहाँ पे वाटरप्रूफ स्पीकर का फायदा रहेगा एंड पानी स्पीकर के अंदर नहीं जाएगा, जिसके कारण डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद नीचे आपको स्लीप एचआर एसपीओटू मिल जाएगा। एक्सरसाइज में जाओगे दोनों ही वॉचेस में आपको 120 प्लस स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे, बहुत सारे। नीचे एक प्लस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक किया और कई सारी कैटेगरीज है, डायरेक्टली लगा सकते हो एंड चालू कर सकते हो अपने स्पोर्ट्स मोड। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, वॉइस असिस्टेंट है, कैमरा शटर है, टाइमर, ब्रीद मोड, अलार्म, प्लेयर, स्टॉप वॉच, फ्लैश लाइट, सब कुछ है एंड गेम्स दोनों ही वॉचेस पे आपको 3 गेम्स भी मिल जा रहे हैं एंड सेटिंग्स तो मैंने आपको बता दिया। AI वॉइस असिस्टेंट भी अच्छा काम करता है, आपके फोन में गूगल है, सीरी है, जो भी है उसको ये जगह देगा और आपसे बात करना शुरू कर देगा। तो मेन्यू के मामले में यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, आपका आराम से काम निकल जाएगा। 2300 के हिसाब से कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है। उसी के साथ दोनों ही वॉच में डाफे टैप का सपोर्ट मिल जाएगा, काफी अच्छा ऐप है। यहाँ पे मेन स्क्रीन पे पूरा डेटा मिल जाता है, अंदर काफी सारी सेटिंग मिल जाती है, 24 आवर हार्ट रेट वाटर की सेटिंग चाहिए वो भी आपको सब कुछ मिल जाएगी उस ऐप के अंदर। फाइनली बात करते हैं बैटरी लाइफ की। इटर्नो में वेबसाइट पे दिया है कि हाँ यहाँ पे आपको 280 mAh 280 mAh की बैटरी है, इसके ऊपर नहीं दिया है पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें भी सेम बैटरी, क्योंकि मुझे बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट सेम ही मिला। आराम से यहाँ पे 2 दिन निकल जाते हैं अगर आप 24 आवर हार्ट रेट पे चल रहे हो, कॉल मैसेज व्हाट्सएप ये सारी चीजें ऑन है, रेस टू वेक ऑन है एंड अगर आप कुछ बंद कर दे तो आपको और ज्यादा बैटरी लाइफ मिल जाएगी। फाइनली वर्डिक्ट की बात करूं तो टर्मिनेटर लॉन्च हो गई, 2-3 दिन हो गए। अब मैंने प्राइस चेक किया 2300 रुपीज बता रहा है। इटर्नो आज ही लॉन्च हुई है, मे बी ये वीडियो देखते देखते इसका भी प्राइस बढ़ जाए, 2300 रुपए के आसपास हो जाए। 2200-2300 तक आराम से इन वॉचेस को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मुझे बताना था आपको ये दोनों वॉचेस सेम है इसलिए दोनों को एक ही बनाया एंड दूसरा ये दोनों वॉचेस एक अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन है इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। मुझे ऐसे लगता है कि आप 2300 में बिल्कुल इनको कंसीडर कर सकते हो। जो भी वॉच आपको सस्ते में मिले वो ले लेना, जहां भी आपका ज्यादा पैसा बच रहा है वो ले लेना, क्योंकि दोनों वॉचेस बाकी सब कुछ सेम दे रही है आपको एंड इनको बाय करने की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।